सॉरी जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू, इनके जितनी भी डिफरेंट रिचुअल्स हैं वो सारी की सारी मैं आपको दिखा रही हूँ. और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देयर इज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि इट्स समथिंग जो कि ना आपने भी इससे पहले सुना होगा ना देखा होगा. इट्स बीइंग कॉल्ड एज शिशव. शिशव के जन्मदिन में भी और फेस्टिवल जब आता है तो खवातीन के लिए शिशव मनाते हैं. ठीक है. और ये बहुत स्पेशल है कि जो बच्चा की जन्म की हुआ है उसके लिए हम ये बनाते हैं. अभी हम रवान हैं, आप हमारे साथ फॉलो करें, हम क्या करते हैं. चले ठीक है, आप चले, मैं आपको बस फॉलो करी हूँ. तब तक मैं इनको थोड़ा सा बता दूँ. सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि मैटर्निटी हाउस जो कि मैं आपको पहले बता रही थी, उस मैटर्निटी हाउस से जो मदर्स होती हैं जब वो घर आती हैं तो उनको पहले शिशाउ करते हैं. अब शिशाउ बेसिकली एक तो ये वलनट ब्रेड बनाते हैं उसको भी कहते हैं, और उनकी जो एक रस्म सी है उसको भी कहते हैं. सो इसमें क्या होता है कि इसमें इससे पहले अगर शिशाउ नहीं करते हैं तो उसके बाद कह लें कि घर की वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करती हैं. सो पहले शिशाउ की एक्टिविटी होती है एंड देन दे गो होम एंड डू द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी. सो लेट्स गो एंड आई एम गोना शो यू कि अंकल क्या करने वाले हैं. साथ साथ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मैं आपको दिखाते चलूंगी. कम लेट्स गो. इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि अंकल इस वक्त बर्तन धो रहे हैं और एक उनके पास पत्थर है उसको भी धो रहे हैं. उस पत्थर से वो क्या करेंगे, वो जो वलनट है ना उसको पीसेंगे और उसको ब्रेड में मिक्स करके बनाएंगे. एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ. आगे चल के जो अगली एक्टिविटी हो रही होगी ना वो भी आपको दिखाऊंगी. और अब मैं आपको बताती हूँ कि शिशाओ बेसिकली किया क्यों जाता है. बिशाली से वापसी पर खवातीन को पाक किया जाता है, और पाक करने से पहले खवातीन ना तो किसी फर्द को और ना ही किसी चीज को हाथ लगा सकती हैं. और खवातीन को पाक करने का इन लोगों का अपना ही एक रिवायती तरीकाकार है जिसको घर का कोई एक मर्द करता है. ये एक ऐसी मुनफरिद और अनोखी रस्म है जिसका ना तो आपने कभी पहले सुना होगा ना ही पहले कभी आपने देखा होगा. Which Discover Pakistan has exclusively shown for all of you guys. अच्छा, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं अंकल की हेल्प करूं, लेकिन ये एक्चुअली उनके रस्म का हिस्सा है कि ना तो उनकी कोई हेल्प कर सकता है और ना ही उनको कोई छू सकता है. अदरवाइज उनको ये रस्म नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है. यहाँ तक के आटा भी बाजार से दोबारा लाना पड़ता है, दोबारा से गूंदना पड़ता है, इवन के बर्तन भी दोबारा से धोने पड़ते हैं. आपने नीचे देखा कि बर्तन धोए गए, बर्तन धोने के बाद फिर वलनट को पीसा गया, उसको आटे के अंदर गूंधा गया, और अब उसकी जो है वो शिशाउ बनाई जा रही है. शिशाउ एक स्पेशल ब्रेड होती है जिसके क्या किया जाता है कि उसके तीन कॉर्नर्स निकाले जाते हैं और फिर उसको शिशाउ कहते हैं. सो दैट्स हैपनिंग बिहाइंड मी राइट नाउ. अभी ये रोटी पकेगी और उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी. जी ये एग्जैक्ट वो शिशाओ की रस्म है जो ये पीछे आप देख रहे हैं. वो बेसिकली आग जला के रोटियां हाथ में पकड़ाई जाती हैं, जिसके बाद आग जला के उसको यूं तीन बार किया जाता है और फिर इनकी रस्म कंप्लीट हो जाती है. उससे पहले उनके हाथ धुलवाए जाते हैं और वो डायरेक्ट हाथ भी नहीं धोती. ये उनकी सास हैं जो इस वक्त यहाँ पे खड़ी हैं, ये पहले उनके हाथ धुलवाती हैं. ये उनके ससुर हैं जो कि बेसिकली शिशाओ की रस्म कर रहे हैं. इससे पहले जो पीछे आपने देखा बेसिकली वो उनकी सिस्टर थी जो उनके साथ विशाली में वहाँ मौजूद थी, उनका भी शिशाओ हुआ था और इसके बाद इनका भी शिशाओ हुआ है. देख भी सकते हैं उन्होंने अपना बच्चा भी अपने साथ रहा है. बेसिकली एक क्यूट सी इनकी बेटी है जो कि अभी ये 7 दिन की होगी, अभी ये रस्म कम्प्लीट होगी है. एंड नाउ शी इज गोना गो इनसाइड ऑफ द होम और इसके बाद शी इज अलाउड टू टच एनीथिंग इन हर होम. अब ये खाना बना सकती हैं और भी जितनी इनके घर के काम है वो सारे आराम से कर सकती हैं क्योंकि इनकी शिशाओ की रस्म कंप्लीट हो चुकी है. आपको भी
रस्म दिखाई थी शिशाओ की, देयर वाज सुपर 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 एक्सक्लूसिव फॉर यू गाइस। और एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इससे पहले ना आपने इस तरह की कोई रस्म देखी होगी, ना एक्सपीरियंस की होगी, ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। और एक्चुअली जिस जगह पर रस्म हो रही थी ना, उस घर के सामने बिल्कुल सामने एक खूबसूरत सा दरिया बह रहा है। सो आई थॉट आई शुड स्पेंड सम टाइम इन हियर बिकॉज मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। सो थोड़ा सा मैं वक्त यहाँ पे गुजारूं। पाउट के जो इनके न्यू बॉर्न होते हैं, जिनको पैदा हुए 3 से 4 महीने हो चुके होते हैं, उनको डिफरेंट डोर टू डोर जाके डिफरेंट चीज़ें दे रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, बहुत रश लगा हुआ है। वी आर जस्ट वेटिंग बिकॉज दिस इवेंट इज अबाउट टू स्टार्ट। सो थोड़े यहाँ के खड़े होकर वेट करते हैं और देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं, एंड देन आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली वो क्या रिचुअल हो रही होती है। लेट्स सी दैट। चूंकि आज खास तौर पर बच्चों का ही दिन है, इसलिए हर माँ ने अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खवातीन जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। इन्होंने हाथों में बास्केट्स पकड़ी हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें हैं। इनके साथ कुछ आपको नज़र भी आ रहे होंगे, फूल पड़े हुए हैं, पत्ते पड़े हुए हैं जो कि एक्चुअली अखरोट के पत्ते हैं, और उसको ये गुटला के लिए कंसिडर करते हैं। बच्चे सब लोगों ने उठाए हुए हैं, न्यू बॉर्न बच्चे, और ऊपर जाके सारी खवातीन जो बास्केट्स एक जगह पर रख रही है, और फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाएंगे, बच्चों को वो दिए जाएंगे। एंड बहुत ही एक लाइवली सी एक एक्टिविटी है विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आप पीछे देख भी सकते हैं कितना ज्यादा रश हो चुका है। सो आई गेस हमें थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, और जहां पे एग्जैक्टली ये चीज हो रही है आपको साथ में वो भी दिखाती हूँ। एंड यू कुड सी भाई लोग बहुत ज्यादा है। सो रश यहाँ पे ज्यादा होता जा रहा है, थोड़ा सा आगे जाते हैं और आगे चल के आई एम गोना शो यू व्हाट इज हैपनिंग अबव देयर। और जी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरह से हो रहा होता है। और इस वक्त मेरे साथ हमारी एक टूरिस्ट मौजूद है, एंड शी इज़ वेरी प्रिटी। आई एम जस्ट गोना आस्क हर कि किस तरह का अभी तक उन्हें एक्टिविटीज़ लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? हमदा। एंड यू आर फ्रॉम? अटक। अटक, अच्छा, तो आपने अभी तक इनकी एक्टिविटीज़ देखी? हाँ जी, मैं 2 दिन से आई हुई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। तो आर यू एंजॉयिंग देम? अ लॉट। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? इट्स वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्राइट, और हम बाकियों को जो उन्होंने नहीं अभी तक देखा, ये सब लाजमी आकर देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। सो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा इवेंट इनका, जब भी वापस इवेंट होगा डू कम बिकॉज इट्स एन अमेजिंग इवेंट। इनफैक्ट यूनेस्को ने इसको जो आलमी सकाफ्ती कुछ इवेंट्स हैं उसमें भी कंसिडर किया हुआ है। इट्स दैट मच अमेजिंग इवेंट, सो डू कम एंड एन्जॉय दिस इवेंट। अच्छा, ये इस वक्त इनकी रसूमात जारी हैं, इसको अगर स्पेसिफिक इस रस्म का नाम बताऊं, दैट इज़ कुई पारिक, जिसमें क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे ये दूध फेंकते हैं, मतलब ये इसको गुड अमेन के तौर पे करते हैं। और वहाँ पे आगे इनकी एक मजीद एक्टिविटी हो रही है, वो भी डेफिनेटली मैं आपको दिखा रही हूँगी, उसको सारस कहते हैं। और उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको जलाया जाता है, जिस तरह से हम एक तरीके से कह लें कि कोई नज़र उतार रहा होता है ना, वो वाली एक्टिविटी हो रही होती है, बच्चों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे होते हैं। सो बेसिकली दिस होल एक्टिविटी इज़ फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़। आप पीछे देख सकते हैं कि दे ऑल आर कमिंग, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ड्राई फ्रूट्स। उधर सारे मर्द जो हैं वो सारे अलग से एक एक्टिविटी करें, यहाँ पे जितनी भी खवातीन हैं वो अलग से एक्टिविटी करी हैं, सब में ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और इस इवेंट को, इस मौके को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त सारस की रस्म हो रही है, जिसमें सबसे पहले तो आग को जलाया जाता है, और फिर उस पर ड्राई फ्रूट्स को फेंका जाता है, और फिर ऊपर से दूध का छिड़काव किया जाता है।